क्यूबिकल स्केलेटन का फेस डायगोनल के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रीन पर 1 और 3 के अक्रॉस हमने बैटरी कनेक्ट कर दिया। ये फेस डायगोनल है, ये भी हो सकता है 1 और 7, 1 और 5, कोई भी हो सकता है। तो हम लोग 1 और 3 के अक्रॉस निकालते हैं, सेम ही चीज़ है। तो यहाँ पर देखे, मान ले रहा हूँ इससे करंट आई जा रहा है, तो यहाँ पर करंट जो आएगा वो 3 पार्ट में डिवाइड होगा, इधर भी जाएगा और इधर भी जाएगा और इधर भी आएगा। अब यहाँ पर देखें तो ये सिमेट्रिक है, ये वाला पाथ देखे और ये वाला पाथ देखे, ये दोनों ही एंड 3 के पास जा रहा है, और यहाँ से देखे तो ये सिमेट्रिक है, बिल्कुल सिमेट्रिक है। तो इसमें जो जितना करंट जाएगा उतना ही करंट इसमें जा रहा है, तो इसमें मान लिया I1 जा रहा है तो इसमें भी I1 जाएगा, लेकिन ये इन दोनों जैसा सिमेट्रिक नहीं है, तो मान ले रहा हूँ इसमें I2 जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ से जो I1 गया वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा करंट, इसमें I1 डबल डैश जाएगा और इसमें मान ले रहा हूँ I1 डैश जा रहा है इसमें, क्योंकि ये दोनों सिमेट्रिक नहीं, ये वाला पाथ और ये वाला पाथ सिमेट्रिक नहीं, इसलिए इसमें I1 डबल डैश मान लिया, इसमें I1 डैश मान लिया। सिमिलरली इसमें भी, इसमें I1 डैश जाएगा अगर इधर आई जा रहा है, तो ये सिमिलरली इसके है तो I1 डैश जाएगा और इसमें I1 डबल डैश जाएगा। अब देखें तो इसका पोटेंशियल V2 और V4 का देखें, ये सेम आएगा कैसे, देखें V1 माइनस IR1, इसका पोटेंशियल माइनस I1 into R इक्वल टू V2। इसका V4 का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, V1 माइनस I1 R I1। अब देखिए ये वाला देखे, लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वल है, तो राइट हैंड साइड भी इक्वल हो गया, V1 V2 इक्वल टू V4। अब सिमिलरली देखें तो V7 का देखें, ये इसमें भी I2 डैश है, इसमें भी I2 डैश, तो इसका और इसका पोटेंशियल पर ध्यान दें, V2 माइनस I1 डबल डैश इंटू R इक्वल टू V7, V2 माइनस I1 डबल डैश R इक्वल टू V7 हो जाएगा। सिमिलरली V4 माइनस I1 डबल डैश, ये I1 डबल डैश है, I1 डबल डैश इक्वल टू V5, तो V5 हो गया, और V2 और V4 तो इक्वल है, तो ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे, तो V4 और V7 इक्वल हो गए। अब इन दोनों को अब भी सेम हो गया, तो 5 और 7 हमें ये पता चल गया कि पोटेंशियल सेम है। तो इन दोनों पोटेंशियल क्या करना है, जो जो पोटेंशियल सेम है उसको एक जगह लिख लेना है। तो यहाँ पर देखिए मैं आप लोग को बताता हूँ, यहाँ पर मैंने ड्रॉ करके रखा है ताकि आप लोग, अब हमें स्क्रीन पर दिख रहा होगा आप लोग को किसका पोटेंशियल सेम है, 2 और 4 का, 2 और 4 को एक जगह लिख लिया। फिर पोटेंशियल हमारा 5 और 7 का एक जगह है, तो 5 और 7 को एक जगह लिख दिया। अब हमें रेजिस्टेंस निकला है, देखिए तो 1 और 4 के बीच में एक रेजिस्टेंस है, तो 1 और 4 के बीच में एक रेजिस्टेंस, 1 और 2 के बीच में रेजिस्टेंस है, तो 1 और 2 के बीच में एक रेजिस्टेंस। सिमिलरली देखें तो हमारा ये 3 और 4 के बीच में एक रेजिस्टेंस है, 3 और 4 के बीच में एक रेजिस्टेंस है, 3 और 2 के बीच में रेजिस्टेंस है, 3 और 2 के बीच लगा, ठीक है, नीचे वाला हो गया। अब देखें तो 2, अब इसका जिसका पोटेंशियल हमें नोन नहीं है, देखें स्टूडेंट जिसका पोटेंशियल नहीं है उसको अलग अलग लिख लेंगे, क्योंकि दोनों तो इक्वल थे, इसका इसका हमने लिख लिया था, इसका पोटेंशियल 8 और 6 का नोन नहीं था, तो इन दोनों पॉइंट्स को अलग अलग लिख लिया, इसमें सिमेट्रिक नहीं था, ठीक, तो इन दोनों पोटेंशियल को अलग अलग लिख लिया हमने। तो यहाँ पर देखें तो फिर से हमारा 1 और 8 के बीच में एक रेजिस्टेंस बनेगा, 1 और 8 के बीच में एक रेजिस्टेंस है, फिर सिमिलरली 3 और 6 के बीच में एक रेजिस्टेंस है, देखें 3 और 6 के बीच में एक रेजिस्टेंस है, तो इसको भी हटा दें, तो ये चारों तो हट गए, फिर ए हट गया और ए हट गया। अब बचा 2 और 7 के बीच में एक रेजिस्टेंस है, 2 और 7 के बीच में एक रेजिस्टेंस लगा दिया, 5 और 4 के बीच में रेजिस्टेंस है, तो 5 और 4 के बीच में एक रेजिस्टेंस लगा लिया, ठीक है, दोनों पॉइंट तो एक ही है इसलिए एक जगह आया। अब उसके बाद हमारा 5 और 8 के बीच में, यहाँ पर 5 और 8 के बीच में, 5 और 8 के बीच में एक रेजिस्टेंस है ना, 5 और 8 के बीच में एक रेजिस्टेंस लगा दिया। उसी तरह से 6 और 7 के बीच में एक रेजिस्टेंस है, तो 6 और 7 के बीच में एक रेजिस्टेंस बन गया, है ना। उसी तरह से 7 और 8 में, 7 और 8 में एक रेजिस्टेंस है, 7 और 8 में एक रेजिस्टेंस लगा लिया। उसी तरह से 5 और 8 में एक रेजिस्टेंस है, 5 और 8 में एक रेजिस्टेंस लगा लिया। हमारा बचा कितना, 1 और 8 तो हमने ड्रॉ कर लिया था, 1 और 6 का, तो सबको ऐसे देख लेंगे कि किसके किसके बीच में है, आपको ड्रॉ करते जाना है, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, है ना। अब ये हमारा अब सर्किट बन गया। अब आप लोग को विजुअलाइज हो रहा होगा कि कौन से पैरेलल में है, कौन से सीरीज में आएंगे। अब देखिए ये दोनों तो पैरेलल में है, तो
अगर दो इक्वल रेजिस्टेंस पैरेलल में तो आर बाई टू हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा आर बाई टू हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आर, ये वाला तो दोनों पैरेलल में है, ये दोनों पैरेलल में है और उसके साथ ये सीरीज में है, तो ये आर बाई टू प्लस आर थ्री आर बाई टू हो जाएगा, आर बाई टू प्लस आर थ्री आर बाई टू, उसी तरह से आर बाई टू प्लस आर थ्री आर बाई टू, और ये कितना हो जाएगा आर बाई टू हो जाएगा, ये दोनों तो पैरेलल में है। तो इसको फिर से हमने सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखे, तो यहाँ पर देखें मैंने इसको लिख लिया यहाँ पर ए आर बाई टू, यहाँ आर बाई टू, यहाँ ये वाला आर बाई टू, ये थ्री आर बाई टू हो रहा है ये वाला पार्ट, ये वाला बाई थ्री। अब देखें ये व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है, आप देखें तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है कि नहीं, देखें ये वाला अगर इसको मल्टीप्लाई करें थ्री आर बाई टू को आर बाई टू से और थ्री आर बाई टू को आर बाई टू से, तो इस रेजिस्टेंस का कोई काम नहीं है, इसको हटा दें यहाँ से। तो अब आपको दिख रहा होगा कि ये दो अब इसके साथ ये सीरीज में हो जाएगा, ये भी इसके साथ सीरीज में हो जाएगा, तो आर बाई टू प्लस आर बाई टू आर हो जाएगा और ये थ्री आर बाई टू प्लस थ्री आर बाई टू कितना हो जाएगा थ्री आर हो जाएगा। अब थ्री आर बाई अब हमारा हो जाएगा आर आर और थ्री आर पैरेलल में हो जाएंगे, थ्री आर पैरेलल में हो जाएंगे, तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर निकाले आप लोग तो कितना हो जाएगा आर इंटू थ्री आर डिवाइडेड बाई फोर आर, फोर आर, तो एक आर से आर कैंसिल हो जाएगा, थ्री बाई फोर आर हमारा रेजिस्टेंस आ जाएगा आर इक्विवेलेंट अक्रॉस फेस डायगोनल, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग कर सकते हैं। अब हम लोग क्यूब के एज के अबाउट हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे क्यूब एस्केलेटन का। आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं हमने वन और टू के अक्रॉस बैटरी कनेक्ट कर दिया है। अब मान ले रहा हूँ इसमें आई करंट फ्लो कर रहा है स्टूडेंट, तो इसमें दो पार्ट में डिवाइड होगा, एक थ्री पार्ट में डिवाइड होगा, एक इधर आई वन जाएगा, इधर भी, इधर आई टू जाएगा और इधर भी आई टू, ऐसा क्यों? तो यहाँ पर देखें तो इधर से यहाँ जो जा रहा है करंट सेम इधर भी है, सिमेट्रिक है, आप देखें तो सिमेट्रिक है, करंट आई टू इसमें भी जाएगा और इसमें भी आई टू जाएगा, ठीक है। इधर आई थ्री जाएगा, इसमें आई वन जाएगा, तो यहाँ पर देखें तो करंट जो होगा इसका पोटेंशियल लिखे और इसका पोटेंशियल लिखे, तो क्यों ऐसा क्यों किया? हमने सिमेट्रिक देखिए, इधर जैसा सर्किट है यहाँ से गया दो पार्ट में, यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ से भी गया दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है ना, और इक्वल रेजिस्टेंस है तो सिमेट्रिक दिख रहा है आपको, तो इसमें फोर और एट का पोटेंशियल एक होगा, उसी तरह से सिमिलरली थ्री और एट का इक्वल होगा। कैसे आप लोग देखे, अगर हम लोग ऐसे निकाल के भी देखें तो जैसे पहले हम लोग किए थे वैसे ही कर सकते हैं, लेकिन मैंने लिख दिया है यहाँ पर, आप लोग देख सकते हैं वी एट का निकालना है, वी एट का, तो ये आई टू वी वन माइनस आई टू आर वी टू माइनस वी वन माइनस आई टू, वी फोर का लिखे सिमिलरली तो वी वन माइनस आई टू आर इसका पोटेंशियल, अभी देखो दोनों सेम ही है तो वी फोर वी एट क्या है सेम है, तो इसका पोटेंशियल पॉइंट वन और फोर का सेम होगा। सिमिलरली अगर हम इसका निकालें सेवन का और इधर से निकाले हम थ्री का, थ्री का इसमें आई थ्री दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, इधर भी आई थ्री जाएगा और इधर आई फोर जाएगा, सिमेट्री से देखें तो इधर भी आई थ्री जाएगा और इधर आई फोर जाएगा, जैसे यहाँ पर हो रहा है ना, आई थ्री इसमें जाएगा आई फोर इधर जाएगा, तो यहाँ पर करंट जो इसका पोटेंशियल लिखे तो वी सेवन इक्वल्स टू वी, तो वी एट माइनस आई थ्री आर, वी एट माइनस आई थ्री आर हो जाएगा, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं वी थ्री का वैल्यू, उसी तरह से वी एक मिनट थोड़ा छोटा से आई थ्री माइनस आर हो जाएगा, वी फोर माइनस आई थ्री आर, वी फोर माइनस थ्री, और ये दोनों इक्वल है तो ये भी इक्वल हो जाएंगे, तो हमारा सेवन पोटेंशियल ऐसे थ्री और सेवन और फोर और एट का। सिमेट्री से भी देखें तो इसके अबाउट अगर ऐसे प्लेन ड्रॉ करें ऐसे प्लेन इनक्लाइन तो सिमेट्रिक होगा, समझ रहे, उसके अबाउट सिमेट्रिक है। अब देखें तो अब जो सेम पोटेंशियल है उसको एक जगह ड्रॉ कर सकते हैं, इसका पोटेंशियल फोर और एट का एक जगह है, हमने फोर और एट को इधर क्यों नहीं लिखा? देखिए यहाँ पर फोर वन से फोर कनेक्टेड है और वन से एट कनेक्टेड है, इसलिए मैंने फोर वन के पास रखा, और थ्री और सेवन टू के पास है, थ्री और सेवन तो थ्री और सेवन को इधर रख दिया ताकि हमें क्रॉस नहीं हो जाए, इधर उधर से दिक्कत होता है उस तरह से, तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि कौन किससे कनेक्टेड है उसको एक जगह लिख ले, उसके पास लिख ले, तो इस तरह से लिख लिया। और बचा कौन सा? हमारा फाइव बचा और सिक्स बचा, फाइव और सिक्स को मैंने दो जगह यहाँ पर लिख लिया, फाइव ऊपर भी लिख सकते हैं, फाइव और सिक्स कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर देखें तो सब के बीच इक्विवेलेंट वन और टू के बीच में एक रेजिस्टेंस लगा दिया, फिर उसी तरह से वन और फोर के बीच में है वन और फोर, वन और एट के बीच में एक रेजिस्टेंस, दो रेजिस्टेंस लग गया, फिर उसी तरह से एट और सेवन के बीच में एक रेजिस्टेंस है तो एट और सेवन के बीच में रेजिस्टेंस लग गया, फाइव उसी तरह से
अब फोर और थ्री के बीच में एक रेजिस्टेंस है, फोर और थ्री के बीच में एक रेजिस्टेंस लग गया, इसी तरह से टू और सेवन के बीच में रेजिस्टेंस है, सब ऐसे सारे करके 12 रेजिस्टेंस आपको लगा लेना। अब आपको दिख रहा होगा पैरेलल सीरीज, अब देखें तो ये दोनों आपस में पैरेलल है, उसके साथ है सीरीज में, ये भी इसके साथ पैरेलल है, तो ये आर बाई टू हो जाएगा, ये भी आर बाई टू हो जाएगा, आर बाई टू, आर बाई टू, आर आर प्लस आर टू, टू आर हो जाएगा, और ये है आर बाई टू, आर बाई टू, ठीक है, ये कितना बचा, आर बाई टू आर हुआ था ना, आर बाई टू प्लस आर, आर बाई टू प्लस आर, टू आर, और इसके साथ पैरेलल में हो जाएगा, और ये दोनों पैरेलल में इसके साथ, ये दोनों पैरेलल में, ये दोनों इसके साथ पैरेलल में, तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो इस तरह से आपको बन जाएगा, ये हो जाएगा फाइव आर बाई टू, ये वाला वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे, फाइव आर बाई टू हो जा रहा है, और ये आर बाई टू हो जाएगा, ये भी आर बाई टू हो जाएगा, ठीक है, और ये आर तो बचा हुआ है हमारा। अब इसको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल, तो सेवन आर बाई टू इंटू आर डिवाइड बाई सेवन आर, सॉरी सेवन आर बाई फाइव प्लस आर, इसे कैलकुलेट कर लेंगे, सेवन आर बाई ट्वेल्व हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग विजुअलाइज कर सकते हैं कि किस तरह से जो सिमेट्रिक होता है पोटेंशियल कैसे सेम होता है। मैं आप लोग को एक ट्रिक बताऊंगा जिससे आप लोग फेस डायगोनल, बॉडी डायगोनल और एज के अलॉन्ग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आसानी से याद कर सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने सब के डायग्राम ड्रॉ करके रखा है, ये हमारा एज है, ये फेस डायगोनल है, फेस डायगोनल है, और ये हमारा बॉडी डायगोनल है। इसके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस याद रखना है कितना होता है, तो यहाँ पर आप क्या करें, यहाँ पर ई एज के अलॉन्ग ई लिख लें, फेस डायगोनल के लिए एफ लिख लें, और बॉडी डायगोनल के लिए वी लिख लें। आपको तीन लाइन ड्रॉ करना है, तीन लाइन ड्रॉ करना, उसके बाद आपको गिनती स्टार्ट कर देनी है, आपको वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स और सेवन। अब सबके जगह क्या करना है, आर आर मल्टीप्लाई कर दें, है ना, ये हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा सबके क्रॉस, इस तरह से याद रख सकते हैं। इसी तरह से आप वेरिएबल क्रॉस सेक्शन का ही रेजिस्टेंस याद रखना चाहते हैं कि इसका रेजिस्टेंस कितना होता है, तो आप लोग अगर फार्मूला रेजिस्टिविटी रो दिया है, लेंथ एल दिया है, और इस एरिया क्रॉस सेक्शन आर वन आर टू दिया है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, सॉरी इसका रेजिस्टेंस अगर निकालना है, तो यहाँ पर आप क्या करें, एक रेजिस्टेंस दिया गया जो यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है, इसका रेजिस्टेंस कैसे लिखते हैं, रो एल बाई पाई आर स्क्वायर, तो इसको पाई रो एल बाई पाई इंटू आर लिख लें। अब इस केस में क्या करना है, आपको सेम ही तरीके से लिखना है रेजिस्टेंस, रो एल बाई पाई आर स्क्वायर की जगह पाई इंटू एक बार आर इंटू आर लिखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर आप क्या करना है, रो एल डिवाइडेड बाई पाई आर वन इंटू आर टू कर देना, ए इक्विवेलेंट, ए रेजिस्टेंस हो जाएगा इन वेरिएबल क्रॉस सेक्शन का। आप इंटीग्रेशन से भी करेंगे तो यही आंसर आएगा, यही आंसर है। इसका मेथड मैंने आपको यूट्यूब में बताया, वहाँ डीकेएस फिजिक्स क्लास में जाकर देख भी सकते हैं।